नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ग्रीन रेमिट कार्ड है, जिससे कि आप कैश डिपॉजिट करते हैं, वो किस तरीके से उसका फॉर्म फिलअप होगा। ग्रीन रेमिट कार्ड एक जनरली एटीएम कार्ड की तरह रहता है कार्ड, जो कि आपको इश्यू कर दिया जाता है किसी एक अकाउंट के स्पेसिफिक के लिए, ताकि उस अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट करवा पाएँ बिना स्लिप भरे हुए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये फॉर्म इशू जब भी ये ग्रीन कार्ड इशू करवाएंगे तो आपका एक आईडी लगेगा, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, एक आईडी की कॉपी आपको इसके पीछे लगानी पड़ेगी। ग्रीन रेमिट कार्ड का फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, जिसके साथ आपको 20 रुपये का चार्ज देना होता है। अब आइए लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हमें ग्रीन रेमिट कार्ड का फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन कार्ड कैसे भरते हैं। सबसे पहले हमें 20 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ता है। उसके बाद हम फॉर्म को लेके अपना फॉर्म कैसे भरते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले ये फ़ोटो लगाया दिया जाता है, इसका भी आप ये फॉर्म भर रहे हो, ये पहले अच्छे से इस फॉर्म को भर दिया जाता है। और यहाँ पर नाम, जिस भी ब्रांच में आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख देना पड़ता है आपको। यहाँ पर लिख रहा है नेम, तो नेम क्या आप जो भी इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि मेरा नाम अशोक कुमार कुमार है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस अपना यही है, अशोक कुमार नैनवा बूंदी। नैनवा रोड बूंदी, जैसे मेरा ये पता है। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जैसे मेरी की डेट ऑफ बर्थ ये है 01/1999, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके बाद आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम में जो भी जिस इस फॉर्म को भर रहा है तो उसके फादर का नाम यहाँ पर लिखने आ जाता है। जैसे मेरे फादर का नेम गोपाल कुमार कुमार है। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको इसी के जस्ट सामने मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर लिखना रहता है। जैसे मेरे मोबाइल नंबर ये है 87/01/02, ये मेरे मोबाइल नंबर है। और इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो भी आपके मोबाइल में ईमेल एड्रेस है, जो आपको पता है, वो लिखना लेता है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस ये है asu96@gmail.com। ये मेरा जीमेल एड्रेस है। इसके बाद आता है नेम होम अकाउंट नंबर। जो भी आप ये फॉर्म को भर रहे हो उसका नाम यहाँ पर सामने आता है। जैसे मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर आता है ASU कुमार। उसके बाद आता है सेविंग अकाउंट नंबर। जो भी आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पर ये कॉलम पे आ जाता है। तो मेरे अकाउंट नंबर है 77001XXXX11। और SBI के जो अकाउंट नंबर होते हैं वो 11 होते हैं। उसके बाद आता है नेम ऑफ द ब्रांच वेयर अकाउंट इज एंट्रेड। जो भी आप जिस भी ब्रांच में आप फॉर्म भरने जा रहे हो उस ब्रांच का यहाँ पर आपको नाम लिखना रहता है। तो मेरी ब्रांच का नाम है SBI।
बेनिफिक्ट्री ऐप मोबाइल नंबर, इसमें आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर रखने देते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है, जैसे यहाँ पर मैंने भरा 27 87 0 02, ये मेरे मोबाइल नंबर है, और वापस से मेरे ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल नंबर मेरे एड्रेस है जैसे asu96@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आपके प्लेस में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है, या किसी गांव से बिलोंग करते हो तो उसका नाम आ जाता है, और डेट, डेट जैसे आज की डेट कितनी है, आज की डेट है जैसे 11/11/2022। और यहाँ पर जिस भी आपका फॉर्म भर रहे हो उसका साइन यहाँ पर लिखना होता है, जैसे मेरा साइन कोई सा भी। और फॉर्म भरने के बाद आपको आधार कार्ड इसके जस्ट पीछे लगाना रहता है, और ये जो भी आपने फॉर्म भरा है ये ब्रांच में जाके देना पड़ता है, इससे आपका ग्रीन कार्ड अवेलेबल मिल जाता है आपको। तो थैंक यू दोस्तों, आपको पसंद आया होगा मेरा ये फॉर्म भरना। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, आगे से आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।